इमेजिन करो एक इंडिया जहां 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो सिर्फ भूख की वजह से। एक इंडिया जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर देश से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा देश अपना एक टाइम का खाना स्किप करे ताकि बॉर्डर पे खड़े जवानों को खाना मिल सके। और अमेरिका उस किस्म का गेहूं इंडिया भेजता था जो वो अपने यहाँ सुअरों को खिलाते थे ताकि उनके सुअर हेल्दी हो सकें, और फिर भी वो गेहूं हम इंडियंस के जीने का आधार बना हुआ था। एक इंडिया जहाँ ना किसी के पास खाने को था ना कमाने को, किसानी तक करना पॉसिबल नहीं था, नौकरी तो बहुत दूर की बात थी, जहाँ हर तरफ सिर्फ भूखे और गरीब लोग हों जो एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हों। बहुत मुश्किल है ये इमेजिन करना, है ना? कैसा लगेगा अगर मैं ये बताऊँ कि आज़ाद भारत में हम 35 साल से ज्यादा तक इस हाल में जिए हैं। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। ये वीडियो मैं हमारी और हमारे बाद की जनरेशन के लिए बना रहा हूँ जिन्हें आइडिया भी नहीं है कि पहले का टाइम कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था। हमें ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता उसके बारे में, ज़्यादा बताया नहीं जाता, पर लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश ने क्या क्या झेला है और तब जाके ये फैसला आया और इसने आज हम सब की प्लेटों में खाना डाला है। आप सबका स्वागत है सरकारी मुद्दा के तीसरे एपिसोड में, एक ऐसी सीरीज जहां हम हर बढ़ते एपिसोड में सरकार के द्वारा लिए गए एक फैसले के बारे में गहराई से समझते हैं जिसने आपके, मेरे और हमारे देश के पैसों पे असर डाला हो। और मुझे नहीं लगता कि इस एपिसोड से ज्यादा जरूरी इवेंट कुछ भी रहा है हमारी आजाद भारत की हिस्ट्री में, क्योंकि आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, ये फैसला था क्या, इसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया और इसका क्या असर हुआ इस देश पे। चलिए चिंपलोक में। जब देश आजाद हुआ तो हमारी सरकार के सामने एक सवाल था कि हम अपना देश चलाएंगे कैसे, अंग्रेज को छोड़ के तो गए नहीं थे। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हमने रशिया की तरह अपने देश चलाने का फैसला किया। रशिया जो समय यूएसएसआर था उसने अपने देश में 5-year plan को इंट्रोड्यूस किया था। 5-year plan को कुछ लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं। हमने उस मॉडल को अपने देश में अप्लाई किया जिसमें सरकार 5 सालों के लिए एक गोल सेट करती है और उसी के टूवर्ड्स काम करती है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, वो गोल 5 साल में अचीव होना चाहिए। हमारे देश में पहला 5-year plan सेटअप किया जाता है 1951 से 56 तक के लिए, जिसका मेन गोल एग्रीकल्चर और एजुकेशन में डेवलपमेंट करना था। एग्रीकल्चर इसलिए क्योंकि उस समय वो सबसे कम एफर्ट्स में शुरू किया जा सकता था। हमारा देश उस समय एक जीरो पॉइंट पे खड़ा था जहां से उसे आगे बढ़ना था, और एग्रीकल्चर काफी आसान मोड था उस चीज में ग्रो करने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे किसान काम कर रहे थे, लोगों को किसानी का एक्सपीरियंस भी था, लैंड भी थी। कॉर्पोरेट कंपनीज और इंडस्ट्रीज में पूरा फोकस लगा देना उस समय उतना सही नहीं होता, क्योंकि लोगों को पहले आपको स्किल करना पड़ता, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी। तो ये डिसाइड किया गया कि पूरा फोकस एग्रीकल्चर और एजुकेशन पे रखा जाएगा। IITs सेटअप किए गए, फार्मर्स को बहुत ज्यादा लैंड दी गई ताकि वो अपना काम कर सकें। पर जिस चीज पे फोकस नहीं हुआ वो ये कि हम भूल गए कि हम दुनिया से बहुत पीछे थे एग्रीकल्चर में भी। हमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, पंप्स, इन सब को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत थी। पर फिर भी ये 5 साल काफी अच्छे रहे, हमने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ग्रो किया, और इसलिए भी क्योंकि हम एक जीरो पॉइंट पे खड़े थे, यहाँ से कितनी भी ग्रोथ होती तो एक अच्छी ग्रोथ ही होती। फिर अगला 5-year plan आता है 1956 से 61 तक। इन 5 सालों में चीजें काफी खराब होने लगी क्योंकि हमने अचानक से ये रियलाइज कर लिया कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है पैसा कमाने का, तो इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए। बाहर से हम स्टील, आयरन सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, हम उस चीज पे इंपोर्ट कम करें और देश में बनाए, मेक इन इंडिया, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाए। और हमने अचानक से सारा फोकस एग्रीकल्चर से हटा के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डाल दिया। बाहर से जो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा था हमने सबके ऊपर टैक्सेस लगा दी ताकि लोग इंडिया में प्रेरित हों और इंडिया में बनाए। पर हम ये चीज बिल्कुल इग्नोर कर चुके थे कि इंडिया में ना तो रिसोर्सेज थे ना स्किल्स, और इन दोनों के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता भी तो कैसे। ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन सरकार कर रही थी, सरकार अपनी कंपनी सेटअप कर रही थी और उस पे लोगों को हायर कर रही थी। अगर हम इसे ठीक से समझे तो सरकार ही सब कुछ कर रही थी। एग्रीकल्चर सरकार करवा रही थी, किसानों का जो अनाज था वो सरकार खरीद रही थी, किसानों को एक्स्ट्रा लैंड सरकार दे रही थी, कंपनीज सरकार सेटअप कर रही थी, कंपनीज में जॉब सरकार दे रही थी। पर इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लोग कमा नहीं पा रहे थे। जब सरकार सब कुछ करके देगी तो लोग कैसे कमाएंगे, लोग जब खुद की कंपनीज नहीं सेटअप करेंगे, लोग जब खुद से एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेंगे, और लोग जब ज़्यादा सैलरीज पे काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कैसे, सरकार को टैक्स जाएगा कैसे।
और सरकार कैसे कमाएगी, ये सब जितनी भी बातें हमने की, सरकार अपने देश के पैसे से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हमें फाइनेंशियल हेल्प आ रही थी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, और हम उनके पैसों पे देश चला रहे थे और अमेरिका से अनाज आ रहा था जिसके बेसिस पे हमारा पूरा देश जिंदा था। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। अमेरिका में उस समय ये गेहूँ सुअरों को खिलाया जाता था ताकि सुअर हेल्दी हों और उनका मीट ज़्यादा एक्सपेंसिव बिक सके, और वो गेहूँ इंडिया आता था हमारे खाने के लिए। पैसे तो हम देते नहीं थे, एड आती थी तो हम डिमांड नहीं कर सकते ना। ये सब होने के बाद अगले 5 ईयर प्लान में चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि इंडिया ने 2 युद्ध लड़े, 1962 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। 65 में ही इंडिया में सूखा भी पड़ा, जहाँ पे किसानों ने जो भी उगाने की कोशिश की कुछ उग नहीं पाया ढंग से, फसल सारी खराब हो गई। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश से एक रिक्वेस्ट की कि हम अपने एक टाइम का खाना स्किप करें ताकि बॉर्डर पे लड़ रहे सिपाहियों के पास अनाज जा सके, और जय जवान जय किसान का नारा दिया। आप सोच सकते हो कि कितना बुरा हाल था। तब मिस्टर MS स्वामीनाथन को चीजें संभालने के लिए अपॉइंट किया गया। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है जिन्हें बाद में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में, और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। मैं इस जनरेशन को बता दूं कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आज आपके और मेरी प्लेट पे खाना है। मिस्टर MS स्वामीनाथन पिछले साल तक हम सबके बीच में थे, सितंबर 2023 में ही इनका निधन हुआ है। तो समझते हैं इन्होंने किया क्या। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, जिसमें से 2 मेजर चेंजेस ये थे कि पहला, 1 साल में 2 फसलें उगाई जा सकें, और दूसरा, मेन अनाजों को इंडिया की सॉइल और मौसम के लायक बनाया जाए। पहले क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो किसान मानसून पे यानी बारिश पे पूरी तरह डिपेंडेंट थे। जब बारिश होती थी उसके हिसाब से वो खेती करते थे। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी सिंपल इरिगेशन फैसिलिटी एस्टैब्लिश की पूरे देश में, जिससे साल में 2 बार फसल उगाई जा सके, 1 बार मानसून की हेल्प से और 1 बार ऐसे आर्टिफिशियल इरिगेशन से। दूसरा, जो मेन अनाज थे जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, इन्हें इंडिया की जमीन और मौसम के लायक बनाया, जिसमें थोड़ा बहुत अगर मौसम ऊपर नीचे हो तो फसल खराब ना हो, झेल जाएं ये सीड्स। इसके साथ ही इन्होंने फार्मिंग लैंड को एक्सपेंशन कराने में काम किया, रूल स्टैब्लिश किए जिससे बड़े किसान छोटे किसान को दबा ना सके, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को बेटर करने में हेल्प की, जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स वाली कंपनीज थी जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, वाटर पंप्स, इनकी कंपनीज को इंसेंटिव दिया कि वो और प्रोडक्शन करें, किसानों को रेंट पे दें और काम आसान करवाएं। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि इसे इंप्लीमेंट करने में कितनी ही प्रॉब्लम हो सकती है, पर इसे पूरे देश में ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट होने में 15 साल से ज़्यादा लग गया था। और इस चीज़ का रिजल्ट ये था कि पिछले साल 2023 में इंडिया ने 110 मिलियन टन का सिर्फ गेहूं प्रोडक्शन किया है, जहां 21 साल में हमें जो गेहूं की एड आई थी वो 50 मिलियन टन के गेहूं की थी, और आज हम एक साल में 110 मिलियन टन गेहूं उगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है। ये वीडियो जब हमने शूट कर ली और एडिट कर रहे थे, तब हमें पता चला कि गवर्नमेंट इंडिया के कुछ लेजेंडरी लोगों को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न देने की बात कर रही है, जिसमें से एक हमारे हीरो मिस्टर MS स्वामीनाथन भी हैं, एंड वी शुड ऑल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन पे। मैंने वीडियो को बहुत ज्यादा डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा, क्योंकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आना जरूरी था। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट है इस पूरे इंसिडेंट को लेके, आप मुझे कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे DM करके, ट्विटर पे कहीं भी पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।